ठीक है, तो हमारे पास ये मॉडल है जिसके ऊपर हम मशीनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी जेड की डायरेक्शन ठीक नहीं है। जेड की डायरेक्शन ऊपर है, एक्स की डायरेक्शन इधर है, तो हम इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो मॉडल में ऑप्शन होती है रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्स फिक्स रहेगा, बाकी का रोटेट करेगा। ठीक है, अगर वाई कर देते तो वाई फिक्स रहता, बाकी का रोटेट करता। जेड कर देंगे तो जेड फिक्स रहेगा, बाकी का रोटेट करेगा। तो जैसे भी हमारे को चाहिए वैसे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमारी मतलब जेड की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे पास ये जो वर्क प्लेन है, ठीक है, ये जो वर्क प्लेन है ये अभी नीचे पड़ा हुआ है। देखो इसको अगर हम देखें तो वो नीचे पड़ा हुआ है कहीं पे, तो हमारे को इसको सही जगह पे लेके आना है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये है कि ब्लॉक बनाओ और एक वर्क प्लेन ले लो यूजिंग ब्लॉक, और उसके टॉप पे रख दो। ठीक है, और इस वर्क प्लेन को राइट क्लिक करके एक्टिव कर दो। जब एक्टिव करेंगे तो ये जो है हमारा ब्लॉक हिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्लॉक को फिर से कैलकुलेट कर सकते। ठीक, तो ये हमारा ब्लॉक जो है कैलकुलेट हो गए, वर्क प्लेन उसके ऊपर आ गया। ठीक है, तो पावर मिल में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसा ब्लॉक होगा और जहां ब्लॉक होगा वहीं पर टूल पाथ चलेगा। अगर ब्लॉक नहीं है तो टूल पाथ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो जरूर पता होनी चाहिए। वर्क प्लेन जो है अभी इसके टॉप के सेंटर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास मॉडल सही हो गया, हमारा वर्क प्लेन सही हो गया, हमारा ब्लॉक सही हो। उसके बाद जो चीज चाहिए इम्पोर्टेंट वो है टूल। ठीक है, तो मान लो मैंने एक एंड मिल ले लिया 16 mm का, जिससे मुझे कटिंग करनी है। ठीक, टूल नंबर जरूर दे देना और टूल का नाम जरूर दे देना है। ठीक है, ताकि ऑपरेटर को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये जो नाम लिख रहे हैं ये उसमें लिखा हुआ आएगा। ठीक, इसको शैंक भी देना जरूरी है और इसको होल्डर भी देना जरूरी है। ठीक है, अभी ये होल्डर बीच में आ गया तो इसको हम ओवरहैंगिंग कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको डाया चेंज करना है तो डाया भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होल्डर कितना, शैंक कितना और टूल कितना। ठीक, तीनों चीजें देंगे तभी हमारा टूल जो है वेरीफाई होगा। तो हमने टूल भी दे दिया। ठीक है, अब बात आती है, ये देखो टूल यहां पर नजर आ रहा है। अब बात आती है टूल पाथ की। तो सबसे ज्यादा चलने वाला टूल पाथ है मॉडल एरिया क्लियरेंस, 3D एरिया क्लियरेंस के अंदर मॉडल एरिया क्लियरेंस। अब मॉडल एरिया क्लियरेंस का काम क्या है कि मोटा मोटा मटेरियल जो है कटिंग करना। ठीक है, तो मॉडल एरिया क्लियरेंस हमने ले लिया और इसके ऊपर हम कटिंग करना चाहते हैं। तो मॉडल एरिया क्लीयरेंस भी कई तरीके का होता है, जिसमें रास्टर भी है, ऑफसेट मॉडल भी है, ऑफसेट ऑल भी है, वर्टेक्स। ठीक है, अभी ऑफसेट ऑल सेलेक्ट हुआ हुआ है। कट डायरेक्शन में यहाँ पे क्लिप चलाना है, कन्वेंशनल चलाना है या एनी चलाना है।
यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी थोड़ी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, या कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये है कट डायरेक्शन प्रोफाइल के केस में, ये है एरिया के केस में। फ्लैट हेड के। हाँ, तो उस एरिया में क्लेम चलाना है, कन्वेंशन चलाना है, या एंगल। एयर टॉलरेंस, टॉलरेंस जितनी हम कम दे देंगे उतना लंबा प्रोग्राम बनेगा, पर उतना बढ़िया भी बनेगा, ठीक है। पर हम रफिंग है तो हमारे को 0.1 की टॉलरेंस मोर देन सफिशियंट है, तो ये हमने टॉलरेंस दे दी। उसके बाद है थिकनेस, थिकनेस का मतलब है कितना मटेरियल मुझे छोड़ना है, फ्लोर में और स्टॉक में, दोनों साइड एक एक एमएम का, या इस पे क्लिक कर देंगे तो फ्लोर पे अलग दे सकता हूँ वॉल और पे वॉल पे अलग दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम ठीक कॉमन छोड़ देते हैं कि दोनों में मेरे को एक एमएम है। मटेरियल। स्टेप ओवर होता है टूल के डाई के 40-45% होना चाहिए ये, तो टूल हमारा है 16 का, तो हम इसको 8 तक तो रख ही सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा टाइम हमारा कम लगेगा। स्टेप डाउन होता है कि हर बार डेप्थ ऑफ कट कितना चाहिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना है या मैनुअली कैलकुलेट करना है। मैंने कहा जी ऑटोमेटिक कैलकुलेट, तो हर बार कितने एमएम का डेप्थ ऑफ कट, मैंने कहा जी 1 एमएम का, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम इसको भी 5 ही कर देते हैं, ठीक। कांस्टेंट स्टेप डाउन का मतलब है कि हर बार बराबर कट लगे, अगर इसको बंद कर दूंगा तो कोई जरूरी नहीं है बराबर कट लगे, वो कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। वो सिचुएशन के ऊपर है, मॉडल कैसा है। तो ये सारी ऑप्शन सिलेक्ट की है अभी हमने, और कुछ चेंज नहीं किया, तो हम इसको कैलकुलेट करते, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चला है। अब ये यहाँ पे साइड में नहीं चला, यहाँ पे भी साइड में नहीं चला, क्योंकि वहां पे ब्लॉक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एडिट करके थोड़ा सा ब्लॉक जो है, हाँ, जेड में हमने इसको लॉक कर दिया, तो मुझे जेड में नहीं बड़ा करना, और मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन कर दी 5 की, सवाई दोनों एक्स मुद्दे वाई दोनों साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। 5 एमएम बढ़ गया, अब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब साइडों में भी चलो। चलने लग गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं इसको डेप्थ ऑफ कट कम कर दूं तो वो और देखने में ठीक लगेगा। अच्छा ये जो पिंक कलर की लाइनें आ रही हैं, ये यानी कि टूल जो है हवा में चलता वो मट दिया फिर। है, हाँ, रैपिड मूवमेंट है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है, ये है एंट्री, ठीक है। जो ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये हमारी कटिंग हो रही है, और ये जो सियान कलर की लाइन है, ये जब फीड कम होती है तो, हाँ, जब टूल टच कर रहा है। अब इसमें हमारे को क्या नजर आ रहा है कि ये लाइन जो है बड़ी ऊपर से आ रही है ना। थैंक तो हम क्या करेंगे, रैपिड मूव में जाके ये प्लंज हाइट जो है, ये जो सियान कलर की लाइन है, प्लंज हाइट है, प्लंज हाइट और रैपिड हाइट पे इसको कैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। तो कैलकुलेट दबाएंगे, ओके करेंगे, तो ये मेरा लाइनें जो बहुत ऊपर से आ रही थी वो कम हो कम गई। हो गई, ठीक हाँ जी, है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ब्लॉक सेंटर सेफ, यानी कि ब्लॉक के सेंटर में सेफ पॉइंट है, हाँ जी, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट सेव कर देंगे, तो जहां से पहली बार पहली एंटर, डेप्थ लेगा। हाँ हाँ, बहुत पर उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, तो ब्लॉक सेंटर सेफ रखते हैं ताकि हमारे को पता लगे कि टूल सेंटर में पहुंच रहा है कि नहीं बहुत पहुंच सारे। रहा, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम सेंटर में पड़ा है, हाँ जी, तो इसलिए हमने उसको भी सेंटर में चाहिए। उसके बाद
अगर हम मॉडल एरिया क्लियरेंस की बात कर रहे थे, अभी ये ऑफसेट ऑल है, अगर मैं इसको रास्टर कर देता हूं तो ये जिगजैग शेप में चलने लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको रास्टर की जगह ऑफसेट मॉडल कर दूं तो ये मॉडल को देखेगा कि मॉडल की शेप कैसी है, उसके हिसाब से चलने की कोशिश करेगा, ठीक है। बेस्ट, और ये जो वर्टेक्स है ये हम यूज करते हैं जब हार्ड मटेरियल होता है, थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कटिंग करने में, पर हार्ड मटेरियल के लिए अच्छा होता है ये वर्टेक्स टूल बात करते हैं। फिर इसको टॉप व्यू करके डिटेल में देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं क्या, हम ये देखना चाहते हैं कि इन तीनों चारों में से कौन सा बढ़िया। अभी देखने में तो ये लग रहा है कि ऑफसेट ऑल सबसे बढ़िया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लिफ्ट्स जो है कम है। ठीक है, एक चीज और इसमें हम चेंज करके देख सकते हैं कि अगर मैं एरिया मिल को क्लिम की जगह एनी कर दूं तो वो एरिया में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल सकता है, ठीक है। तो इसको एनी कर देंगे तो डायरेक्शन जो टूल पाथ की है वो कोई भी हो सकती है, मतलब ऐसे नहीं है कोई एक ही डायरेक्शन में मुझे घुमाना है, वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो उससे थोड़ा सा टाइम जो है सेव हो जाता है, ठीक। इसको भी एनी कर सकते हैं, ठीक उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन। ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो टूल है किसी मॉडल के साथ, ओके हाँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कोलिजन हम ऑन कर देंगे ताकि हमारा टूल अगर किसी चीज के साथ टच कर रहा है, किसी स्टॉक के साथ या किसी पार्ट के साथ है ना, या होल्डर या शैंक, तो हम इसको दे सकते हैं कि होल्डर के साथ कितनी क्लियरेंस रखनी है, शैंक के साथ पता लगे टूल तो नहीं टच कर रहा है पर होल्डर टच कर रहा है या शैंक टच कर रही है, तो उसकी क्लियरेंस हम दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे भी थिकनेस आ रही है, थिकनेस का मतलब यही है कि 1 mm मटेरियल तक कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने वहां पे भी मटेरियल छोड़ रखा है 1 mm, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी 1 mm छोड़ दिया, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, अगर ये ब्लू ठीक कलर का है तो इसका मतलब कोई भी फॉल नहीं है, ठीक है। तो है ठीक ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन से हमारे को ये समझ में आ गया। ये जो वेरिफिकेशन है इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहां से भी कर सकता था, वेरीफाई टूल बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये देखो ये कोलिजन चेक करने को कह रहा है ना। स्प्लिट हम नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूल पाथ को दो तीन टुकड़ों में चेंज कर देगा, स्प्लिट नहीं करना, कोलिजन चेक करेंगे और अप्लाई करेंगे, नो कोलिजन वर्क फॉर्म, ठीक है। तो चाहे वहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, एक ही बात। इसको कुछ भी चेंज करना है राइट क्लिक करके सेटिंग में जाएंगे तो ये वापस वही वाली विंडो हमारी ओपन हो जाएगी, कंटिन्यू ठीक। अब इसमें जो हमने ये ऑफसेट ऑल लिया, तो जैसे मैं यहाँ पे ऑफसेट ऑल लेता हूं तो यहाँ पे भी ऑफसेट आ जाता है, ठीक। अब इसमें मेंटेन कट डायरेक्शन है, यहाँ पे हमने एनी कर दिया
यहाँ पे मेंटेन कट डायरेक्शन कर, तो वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा टाइम वो एक ही डायरेक्शन में घूमे, ठीक है। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर वो दूसरी साइड भी जा सकता है। अगर वहां पे क्लेम दिया कन्वेंशनल किया तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चली ही करेगी, चले रही। अब ये लिफ्ट जो है इनको हम कम करने की वजह के लिए हम यहाँ पे स्पायरल ऑन कर देते हैं। स्पायरल ऑन करने से क्या होगा कि अगर मेरा टूल पाथ ऐसे कटिंग कर रहा है तो वो जब डेप्थ लेनी है उसने तो वो स्पायरल नहीं लेगा, प्लंज हाँ ऐसे एक जगह नहीं रुके नहीं, करेगा, हाँ प्लंज नहीं करेगा। प्लंज तो इससे भी मेरा थोड़ा सा ये जो वो लिफ्ट्स है लिफ्ट कम हो कम हो जाएगी। जाती है। ठीक है ओके करते हैं, तो ये स्पायरल ऑन करते हैं। इसके ऊपर टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करके अगर मैं स्टैटिस्टिक्स में आ जाऊं तो यहाँ पे ये हमारे को दिखा रहा है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है ना, हाँ जी और टोटल नंबर ऑफ लिफ्ट्स कितने हैं। ठीक, तो जो भी चेंज करेंगे उसको हम वहां पे जाके देख सकते हैं कि लिफ्ट चेंज में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पे मैनुअल कर दें तो ये देखो ये डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ्स आ रही है, ठीक है ना, जो स्टेप स्टेप डाउन हो रहा है ये वो वाली वैल्यूज आ रही है कि पहले -09 पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, फिर इस पे गया, ठीक। अब जैसे हाँ ये है ना, अगर मैं कोई डेप्थ डिलीट कर दूंगा तो वो बीच में से डेप्थ डिलीट हो जाएगी, तो करना नहीं है ऐसा, ठीक है, नहीं तो वो अच्छा मटेरियल भाई, ज्यादा हो जाएगा उसको दिक्कत आएगी, इसको ऑटोमेटिक ही रहेगा। ठीक, स्टार्टिंग में इसके साथ पंगे लेने नहीं है। हम बात कर रहे थे ये ऑफसेट ऑल की वजह से, यहाँ पे ऑफसेट आ गया। ये रिमूव कब्स होता है भाई, अगर कोई ऐसी जगह आ गई ओपन प्रोफाइल आ गई तो उसको कटिंग करनी है कि नहीं करनी, ठीक है ना, जो जो स्मॉल एरियाज है उसके लिए होता है ये मशीनिंग। स्मॉल फर्स्ट यानी कि इस मॉडल में वो देखेगा सबसे छोटी जगह कौन सी है, पहले वहां पे कटिंग करेगा फिर उसके बाद बाकी की जगह पे कटिंग करेगा। तो इसका इसकी भी हमारे को जरूरत नहीं है, इसकी भी हमारे को जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मॉडल काफी जगह से ओपन है। तो हमने इसको ओके कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात आती है स्टीप कटिंग की, स्टेप कटिंग। अब स्टेप कटिंग में क्या है कि जैसे ये देखो ये स्टेप बन रहे हैं, कोई ऐसे स्टीप एरिया है जो फ्लैट एरिया है, ये फ्लैट एरिया है, ये स्टीप एरिया है, ठीक है ना। तो वो देखेगा कि स्टीप एरिया में थिकनेस कितनी है, जैसे ये यहाँ पे जगह है, ये वाली जगह है, हाँ जी ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कम कर दूं तो वो ज्यादा उस को डिटेक्ट करने लग जाएगा, पर क्योंकि हमारा रफिंग है तो ये वैल्यूज ठीक ये बाय डिफॉल्ट ही है है, वाली। हाँ बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू ठीक है, पर अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूं 0.3 कर दूं, ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड बाय अपने आप मॉडिफाई हो जाए, ठीक कंटिन्यू है। और ये जो ऑप्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम रिमूवल, इसका मतलब ये है कि हमारा टूल जो है कांस्टेंट चले, ऐसा ना हो कि कहीं पे ज्यादा तेज चल रहा है कहीं पे धीरे धीरे चल रहा है ना किसी एरिया में, क्योंकि हमने यहाँ से स्पाइरल कर दिया ना, तो ऐसा हो सकता है कि किसी जगह तेज चले किसी जगह स्लो चले, है ना। तो हमने उसको मैक्सिमम फीड रेट और मिनिमम फीड रेट दे दी भाई, इससे ज्यादा नहीं चलनी। बेस कटिंग फीड रेट 1000 है, ये देखो यहाँ पे हमने
स्पीड के अंदर यहाँ पे 1000 बजेगी। ठीक है, एक और भी चीज होती है कि जो मैनुअली हम मशीन के ऊपर चेंज करते हैं वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना हो दो, मैक्सिमम भी कर देंगे तब भी 1500 से ऊपर ना जाए। ठीक है अगर मैं यहाँ पे 1000 कर दूंगा तो चाहे 9 घुमाते रहो वो उसको, स्पीड ओवर करे ना हाँ कर, नहीं कम तो हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा पे ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा पे ज्यादा नहीं होगी, से ज्यादा नहीं, बोलो सेफ्टी है किस किस्म की। ठीक हाँ कर सकते हैं। ठीक, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जो वॉल्यूम जो है मटेरियल जो है वो कॉन्स्टेंटली स्मूथली रिमूव। ठीक, जी उसके बाद है वॉल फिनिशिंग, आपको सारा कुछ करने के बाद वॉल को फिनिश करना है कि नहीं करना है, इस केस में हम नहीं कर रहे क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा सा ऑब्जेक्ट है, इसको रहने देते हैं। हर कट में फिनिशिंग का कट लगाना है या लास्ट पास में लगाना है? ठीक भाई एंड में सिर्फ एक में लगाना है या हर एक कट के बाद फिनिशिंग का कट, फिर हर कट डेप्थ ऑफ कट लिया फिर फिनिशिंग कर, तो उसकी बजाय अभी हम इसको बंद ही कर रहे हैं। अनसेफ सेगमेंट रिमूवल, इसका मतलब होता है कोई ऐसी जगह है जहां पे मेरा टूल नहीं जा पा रहा, है बहुत बड़ा टूल है, कोई ऐसी छोटी सी जगह है जहां पे टूल नहीं जा पा रहा, तो उस जगह को छोड़ देना। अब ये जो टूल का डाया है 16 और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.95, ये परसेंटेज है बेसिकली, 95%, यानी कि 16 का टूल है तो अगर कोई होल 15 का होगा तो ये उसमें नहीं जाए। नहीं। ठीक है ना, इवन सो मतलब 95% तक, अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ एक कर देता हूँ, 16 का होल होगा तो 16 वाला टूल उसमें नहीं जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे 2 कर दूंगा तो 32 का होल होगा तो भी नहीं जाएगा। ठीक सेफ्टी है, हाँ तो इसको 0.95 ही कर देते हैं भाई, छोटी जगह में घुसने की कोशिश मत कर अपने डायल से। ठीक है ना, है ठीक यहाँ लिखा है ओनली रिमूव सेगमेंट्स फ्रॉम इंक्लोज्ड एरिया, मतलब ये सारा कुछ काम कहाँ करेगा, सिर्फ क्लोज्ड एरिया में, ओपन एरिया में नहीं काम करेगा ये। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा फिर ओपन एरिया में भी काम करेगा। ठीक है, तो अभी हवा नहीं कर देते हैं, हमारे को क्या जरूरत है। फ्लैट मशीनिंग है भाई, अगर कोई उसको फ्लैट एरिया मिल जाता है तो उसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे कई एक दो जगह फ्लैट ज्यादा जगह फ्लैट है, एरिया हाँ तो उस केस में फ्लैट एरिया को कटिंग कर ऑफ कर देंगे, तो ये फ्लैट एरिया में जाना बंद कर देगा। तो आप व्यू करके देखें तो अलग से नहीं चला है ना, और एरिया कर दे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इस केस में, कोई और एग्जांपल लेनी पड़ेगी फिर समझ में आएगा। ठीक, ठीक कोई बात नहीं, तो हम इसको कर देते हैं मल्टीपल कट लगाने हैं कि नहीं लगाने, एरिया में या लेवल पे। ठीक है, तो हमने कहा जी नंबर ऑफ कट लगाने हैं हमारे को 3, स्टेप डाउन रखेंगे 0.5, जितने भी फ्लैट एरिया है वहां पे एक्स्ट्रा कट लगने लग जाएगा। फाइनल स्टेप डाउन भी है कि आखिर में जो कट लगना है वो कितने का होंगे, ये फ्लैट एरिया के लिए अलग से टूल पाथ चलने लग जाएगा। ठीक है, ठीक इसके लिए एक एग्जांपल और कोई भी देख लेंगे, फिलहाल हम इसको
ऑफ ही ऑफ कर देते हैं। ही ये फ्लैट टॉलरेंस होती है। फ्लैट टॉलरेंस का मतलब यह है कि उसको पता कैसे लगेगा कि जगह फ्लैट है, तो वो टॉलरेंस से ही पता लगेगा। मतलब जहां पे 1 mm ऊपर नीचे हो जाए, जैसे रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान में छोटी 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 लहरें भी हैं बड़ी भी, तो किस चीज को फ्लैट माना जाए। पहाड़ों में चलिए फ्लैट एरिया भी होता है थोड़ा थोड़ा। फ्लैट ये हाई स्पीड मशीनिंग जब मेरे को करनी है, हाई स्पीड मशीनिंग में क्या होता है कि ये जो देखो, ये जो मोड़ मुड़ रहे हैं है ना, अब मान लो कोई सड़क ऐसी है जो बिल्कुल आगे से ऐसे शार्प है, स्लो हो जाएगा मतलब। तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्लो नहीं होगा, वो यहीं से स्लो हो जाएगा क्योंकि उसको आगे जाके ब्रेक मारनी इसको पता है कि आगे रास्ता कैसा है। हाँ, तो आगे जाके झटका ना लगे, इसलिए वो पहले से ही स्लो हो है। जाएगा। अगर आपने 1000 की फीड रखी है तो ये भी हो सकता है वो 1000 की फीड पे कभी पहुंच ही ना पाए, क्योंकि उसको पहले ही मुड़ना था, तो उसने पहले ही धीरे कर दी। मतलब मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना है, मैंने कहा जी 60 की स्पीड पे जाना है, पर सड़क के ऐसे मोड़ तोड़ है कि मैं कभी 60 पे पहुंच ही नहीं पाया। तो इसलिए ये हाई स्पीड का होता है कि रेडियस लगा दिया जाए कॉर्नर पे, अगर बिल्कुल शार्प एज होगा तो मुझे रुकना पड़ेगा फिर मुड़ना पड़ेगा, पर अगर जैसे सड़कों में होता है ऐसे गोल बना देते हैं अच्छा ताकि वो स्मूथली मुड़ सके, तो उससे स्पीड जो है वो बिल्कुल जीरो नहीं करनी पड़ती, वो 20 मतलब 100 से 100 पे चल रहा है, 20 पे मुड़ जाएगा, फिर उसके बाद 20 से फिर आगे चल जाएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगी उससे। तो जितने भी ये गोल गोल बना रहा है, ये देखो ये ऐसे गोल शेप बना रहा है ना, गोल शेप इसीलिए बना रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑन कर रखा है बारिश में। जितना टूल का रेडियस है उससे 0.05 आ जा रहा है, मैं 16 पॉइंट कुछ का रेडियस बना रहा होगा। रिकॉर्डेड मोशन तब ऑन करते हैं जब हार्ड मटेरियल होता है, वर्टेक्स वाला। वर्टेक्स हाँ, रिकॉर्डेड मोशन में वो ऐसे गोल गोल घूम घूम के चलेगा, मतलब ऐसे सीधा नहीं चलेगा, वो ऐसे ऐसे चलेगा। हेलिकली वो ऐसे मूव करेगा आगे। हाँ ठीक। ऑर्डर है, अब जैसे ये तो सिंपल था मॉडल, अगर 2 3 4 पॉकेट हो पॉकेट है तो हाँ तब वहां ये पे सॉर्ट कर सकते हैं हम कि पहले किस में जाए बाद में किस में जाए, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे लेवल कर देंगे पॉकेट की जगह, तो पहले एक पॉकेट में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर एक दूसरे ऐसे। हाँ, जितना अगर 1 mm उसने यहाँ काटा, तो एक एक एमएम एम वहां दूसरे वहां में। वहां हाँ, तो ये भी ठीक है, ये पॉकेट ही ठीक है। उसमें लिप्स बढ़ लिफ्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे, पर जो ये लोग मूर्ति वगैरह बनाते हैं ना पत्थर की, जाएंगे। उनके काम आते हैं। उसके बाद है अप्रोच, ये है होल्स वगैरह के लिए कि अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे होल मारना है तो उसके लिए, पर हम तो इसमें रफिंग कर रहे हैं तो मेरे को जरूरत नहीं है। एक फ्लैट मशीनिंग में यहाँ पे एक और भी ऑप्शन थी इग्नोर होल्स की, अगर कोई फ्लैट एरिया है जिसके अंदर होल लगा हुआ है तो हम उसको होल को इग्नोर इग्नोर कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर सीधा सीधा चले। ठीक है, कटर कंपनसेशन हम ऑन कर सकते हैं कि अगर मेरा फुल रेडियस का देना है या टूल वियर की देनी है। जैसे मशीन में हम कई बार कटर कंपनसेशन डालते हैं 40-41 ना, टॉलरेंस वगैरह मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे कटर कंपनसेशन डाल देंगे तो मॉडल में G40-41 लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि
कितना स्मूथ बनाना है मेरे को प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या है, पहले एक पॉइंट की वैल्यू है, फिर दूसरे पॉइंट की वैल्यू है, फिर तीसरे पॉइंट की वैल्यू है, तो वो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना इसकी वैल्यू को कम कर देंगे उतना ज्यादा लंबा प्रोग्राम बनेगा। कई बार कहते हैं ना भाई लाखों में चला गया, ब्लॉक बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, तो यहाँ से हम कम कर सकते हैं, टॉलरेंस फैक्टर बढ़ा दो इसका, तो ये कम कर देगा। पॉइंट सेपरेट, डिस्टेंस 10 कर दो तो भी। अब कई बार इसका फायदा तब भी होता है जब ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी प्रोफाइल हो। अब जैसे ये देखो, यहाँ फोटो में अभी दिखा रहा है कि आर्क के स्टार्टिंग में पॉइंट आया, आर्क के एंड में पॉइंट आया, आर्क के स्टार्टिंग में पॉइंट आया, आर्क के एंड में पॉइंट। अब इसमें क्या है, स्मूथली उसने कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट डिवाइड कर दिया। तो उससे अगर बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी जगह होगी तो टूल पाथ बिल्कुल सही एक्यूरेट बनेगा, मतलब उसमें ऐसा बीच में लाइन है, लाइन है जी, इससे थोड़ी सी लाइन आने की खतरा है अगर इसको बंद रखें। मैश का मतलब ही यही होता है, मैश होता है किसी भी मटेरियल को ना ऐसे ट्रायंगल्स में काट देते हैं। तो मैश फैक्टर बेसिकली मॉडल को देखने के लिए यूज होता है। जैसे ये आपकी टोपी नहीं बनी, ट्रायंगल अब टोपी में क्या है, छोटे 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 ट्रायंगल्स हैं, तो वो वही टॉलरेंस वैसे सही है सिस्टम। ठीक है, टूल एक्सिस मेरी वर्टिकली होनी चाहिए क्योंकि हम थ्री एक्सिस का प्रोग्राम बना रहे हैं। मशीन एक्सिस कंट्रोल को भी नहीं हमने कुछ भी चेंज करना, कि ये फ्री है अगर, है ना, बात भी कर सकते हैं इसको क्योंकि हमारा जो टेबल है वो फिक्स ही होगा, फिक्स है। है ना। मल्टी एक्सिस में काम आएगा इसका, 3 से ज्यादा हो जाएंगे फिर ये काम हाँ करेगा। हाँ ठीक है। रैपिड मूव हमने देखा कि सेफ एरिया जो है वो किसी पर्टिकुलर प्लेन पे होना चाहिए। इसमें भी हमने जेड की डायरेक्शन, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड, तो हमने जेड की डायरेक्शन में वेक्टर सेलेक्ट किया हुआ है कि प्लेन जो है मेरा रैपिड मूव जो है वो जेड की डायरेक्शन में। जब मल्टी एक्सिस होगा तब हमारे को ये एक्स में भी करनी पड़ सकती है, वाई में भी करनी पड़ सकती है। उसके बाद है लीड इन लीड आउट, भाई एंट्री कैसे होनी है। ठीक है, लीड इन का मतलब है एंट्री, लीड आउट का मतलब है एग्जिट। ये फर्स्ट एंड लास्ट लीड, ये जो एंट्री हो रही थी यहाँ पे अभी हमने ऑरेंज कलर की देखी थी, है ना, ये वो है कि फर्स्ट पास में कैसा होना चाहिए और लास्ट पास में कैसा होना चाहिए। तो मान लो लीड इन हमने कह दिया इसको हॉरिजेंटल आर्क, ठीक है, अभी नन है इसको, अगर मैं हमने हॉरिजेंटल आर्क कर दिया और लीनियर मूव में मैंने कहा जी 10 और एंगल मेरे को चाहिए 45 डिग्री और रेडियस मुझे चाहिए 10 का, ठीक, वो 10 में पीछे जाके पैंतालीस हाँ थोड़ा, डिग्री एंगल में वो 10 का रेडियस है, घूमेगा हाँ ये, हाँ ये ऐसे एक आर्क बन आर्क बन जाएगा जाएगा जिसका जिसका ये एंगल 45 डिग्री पैंतालीस होगा, डिग्री होगा ये डिस्टेंस 10 होगा और इसका ये कुछ रेडियस रेडियस होगा। में, वो 360 की बजाय वो 45 में हो जाएगा। हाँ, तो उस कह रहा ये कम है, तो 25 कर दो क्योंकि टूल ही 16 का है, तो तो 10 16 का कर। उसको हाँ, ये कह रहा है दिस टूल इज नॉट सूटेबल एट प्रेजेंट टू आउटपुट मशीन टूल कटर कंपनसेशन एक्टिव, दिस इज अच्छा, वो कटर कंपनसेशन कंपोजिशन लगी हुई है तो बंद कर इसको देंगे। बंद कर देते हैं फिलहाल। तो ये जो हमारा टूल जो है, ये देखो ये आर्क बन, ठीक है नहीं, ये हाँ सारी जो ऑरेंज कलर की लाइनें हैं ये लीड इन की वजह से आ रही है।
ये हॉरिजेंटल की जगह इसको वर्टिकल आर्क कर देंगे, तो जैसे ये इधर को ऐसे घूम रही है वो दूसरी साइड घूमने लग जाएगी ऊपर को, देखो ये सारी ऊपर को होने लग गई। ये मेरे ख्याल से 10 भी चल जाना चाहिए, जैसे ये ऊपर हो गई देखो, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर से, ताकि टूल सीधा आके प्लंज ना हो, थोड़ा सा घूम के एंट्री ले। चीज सर हमें ना वहां पे करते हैं भाई, ये प्रॉब्लम अभी तो मेन आती है। उनसे मॉडल इंपोर्ट किया हमने तो वो 3-4 कलर का होता है, जैसे नहीं आपने इंपोर्ट किया सिंगल कलर का है, नहीं वो दिक्कत क्यों आती है सर मैं वहां पे? वो तो मॉडल में जो कलर दे रखा है ना वही होता है। यहां से देखो, यहाँ पे ऑप्शन होती है मल्टी कलर शेडेड, इसमें इस कलर नजर आएंगे। तो आप इसको यहाँ से मल्टी कलर शेडेड की जगह ये वाला कर दो प्लेन शेडेड, तो वो सिंगल कलर हो जाएगा। जब मल्टी कलर होता है ना, तो यहाँ पे हम किसी भी सरफेस का कलर हो सकता है, हाँ वो सारे कलर से लग रंग बिरंगा आ जाता है। यहाँ से मैं कलर दे सकता हूँ किसी भी फेस को, कोई भी, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ से मॉडल कर दूं तो वो कलर नहीं मिलेगा, प्लेन कर दूंगी। ठीक है, इसकी सेटिंग में जाएंगे हम। ठीक है, ये लीड इन लीड आउट का बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम देखेंगे अलग से। ठीक है, ये जो लिंक है, लिंक का भी यही है, मतलब कि एंट्री कैसे होनी है, एग्जिट कैसे होनी है। इसको अगर मैं स्टेप डाउन कर दूं और इसको इंक्रीमेंटली रहने देते हैं, तो थोड़ी सी लिफ्ट कम हो जाती है। वो डिपेंड करेगा, मॉडल टू मॉडल वेरी करेगा कि मॉडल कैसा है। ठीक है ना, स्टेप डाउन ज्यादा अच्छा है या स्किम ज्यादा अच्छा है, वो मॉडल टू मॉडल वेरी करेगा कि किसमें लिफ्ट कम है किसमें ज्यादा है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे किसी दिन, सेव कर देंगे तो हर सारी चीज सेव पोजीशन पे जाएगी। मतलब तो जब भी टूल ने एक जगह से दूसरी जगह में जाना है तो वो सेव पोजीशन से होके जाएगा। तीनों को स्किम कर देंगे, स्किम का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट पे, शुरू कहाँ से करना है एंड कहाँ से करना है, इसकी हमारे को फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। फीड स्पीड दे सकते हैं कि आपको, मान लो फीड दिया आपने 1200, ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट है का बटन है, आरपीएम कितने देने हैं, प्लंज रेट कितना देना है, सब कुछ दिया जा सकता है। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा मोटा मोटा सारा मटेरियल कटिंग हो जाएगा। इसमें हम ये फर्स्ट लीड इन को भी ऑन कर देते हैं, हॉरिजेंटल आर्क दे देते हैं 15 का रेडियस, 30 का एंगल और लीनियर मूव। ठीक, तो वो फर्स्ट कट में भी वैसे चलने लग सर इसमें तो रैम में ज्यादा देते हैं ना, जाएगा। रैम में ज्यादा देते हैं ना सर, रफिंग में अपनी अपनी रैम? अपनी 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 मर्जी होती है, रैम में भी दिया जा सकता है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आर्क भी दिया जा सकता है, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तो ये मॉडल हमारा सारा ओपन ही है, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता दिक्कत नहीं। आएगी क्लोज एरिया में, क्लोज हाँ एरिया में डिसाइड करना पड़ेगा हाँ कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, हाँ रैपिंग लोग, है या अब मान लो स्लॉट है तो स्लॉट है, स्लॉट बदल में बदल जाएगा, जाएगा। सर्कल है
होल सर्कुलर पॉकेट है तो उसमें शेप बदल जाएगी, सर्कुलर तो जैसी शेप है उसके ऊपर डिपेंड करेगा के आना है क्या। ठीक, यहाँ पे देखो यही पे ऑप्शन थी गॉज चेक की, इसको अगर मैंने बंद कर दिया तो वो मैसेज आना भी बंद हो गया, जो मैसेज अब आना वो था मैसेज क्यों आ रहा था? वो मैसेज इसीलिए आ रहा था कि कहता जी एंट्री जो है ना आपकी के वो उसमें जा रही है, मतलब पॉकेट में प्लंज हो रही है। प्लंज क्यों हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बोल रखा कि तुम एंट्री ले लो वर्टिकली आर्क से, ठीक है ना, तो टूल ऐसे सीधा आएगा वर्टिकली एंटर करेगा, तो कह रहा है गॉड चेक करूं कि ना करूं। जब हम गॉड चेक करते हैं तो वो मैसेज दिखाता है कि भाई जी आपका जो प्लंज मूव इनटू द स्टॉक एग्जिस्ट एट द स्टार्ट ऑफ सम टूल पास है, ठीक है ना, कि आपके कुछ जो प्लंज स्टार्टिंग में जो आपका टूल स्टार्ट हो रहा है जब, तो उस टाइम कुछ प्लंजेज हैं, और प्लंज तो होगा ही ना जब पहली बार निकल जाएगा, ठीक है ना, तो अगर गॉड चेक बंद कर देंगे तो फिर वो नहीं मैसेज आएगा आना बंद हो जाएगा। ठीक है, जी। पर उसकी वजह से ये देखो ये वो भी हो गया, तो गॉड चेक तो हमारे को करना ही करना ही चाहिए। पड़ेगा। हाँ, तो ये येलो होने का मतलब भी यही है कि गॉड चेक आपने चेक नहीं किया। गॉड चेक मतलब ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है बेसिकली। वेरिफिकेशन।